अच्छा बाबूजी, मैं लोकगीत बिरहा गायक सीताराम यादव अर्जुनपुर लंभुआ सुल्तानपुर से अपने सभी हृदय सम्राट श्रोता भाइयों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज लहर म्यूजिक वर्ल्ड आप अजय भैया के प्रस्तुति में आप सबके बीच में जमानों को देखते हुए आखिरकार कबीर जी को संकेत करना पड़ा। हमारे गीत का शीर्षक होगा कलयुग कहना है। कि अरे भैया अरे बाप रे बाप, ये बाबू अरे बाप रे बाप, आयल कलयुग कई जमाना वाया रे बाप रे बाप, आयल कलयुग कई जमाना वाया रे बाप रे कलयुग के जमनवा। अरे बाप रे बाप, छोट बड़ा के कदर न जाने नाही कौनो पर्दा, वार समय क्या संस्कार है बाबूजी, छोट बड़ा के कदर न जाने नाही कौनो पर्दा, बेटवा अपन बाप के आगे मलैठो के जरदा गरदा हो गया यार मानवा, अरे बाप रे करदा हो गया यार मानवा, अरे बाप रे बिटवा अपने बाप के आगे मलई ठोक के जौने बाप महतारी के सामने। भैया बिटवा अगर कुछ नशा पत्ती करे तो मुंह धोई के आवे कि हमार माई बाबू गुस्साए न जाए बिगड़ न जाए। आज वह लड़का हाथे में खैनी ले गुटका मिलावत पहुंचा कहे काका बाबू जल्दी से थामा और न खागा तो हम खाए ले हम सवेरन के खाए है। वारे समय अगली लाइन में कहना है घर का काम काज ना बूझै बेटवा नशा में आदि, अरे बाप रे बाइक पे धियनवा, अरे बाप रे बाप, एक लाख नगद चाहिए बाबू, घड़ी हमार बड़ी शौकीन चाहिए, सिकड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, नात बटवा बराते ना जाई, एकदम नशा में भूत भैया रोशन एकदम मस्त है। पापा बियाह न कर, कहे बेटवा बाप के पगड़ी के सम्मान है लाल,
बराते न चलबा। तमाम तोहरे ऊपर नात बात रिश्तेदार सबके आमंत्रित के ही बराते चले बदे। तू कहा था ब्याह न करब काहे न करबा। कहन बाबू इतना नगद मिली तबे बरात जाब। अगली लाइन में कहना है नई नबेली बहु आई गई अब तौ मिली आराम। नई नबेली बहु आई गई अब तौ मिली आराम। कुछ दिन बीता शब्द बान से अरे निदिया भइल हराम। लिहले हाथ में ससानवा अरे बाप रे बाप। नई नबेली बहु आई गई अब तो मिले आराम। कुछ दिन बीता शब्द बान से निदिया भइल हराम। लिहले हाथे में ससनवा अरे बाप रे बाप। पतो हुआ गे अम्मा बाबू तमाम सपना सजाए हैं। कहन बूढ़ा घबराई के जरूरत बहुत सेवा की हूँ बहुत समय समय से रसोईया समारू। अब घरे में पतो हुआ गे अब दो टाइम बड़े समय से दोनों परानी के मिली। समय बीता गया बाबूजी एक महीना दो महीना। बबलू भैया बड़ी खातिरदारी दोनों परानी के। अम्मा बाबू सोचत हैं कि जेका पतो मिले हमरन के ना मिले चार दिन बाद मिले मंजूर बा। जब दो महीना बीत गए भैया उहई पतो कहिस का पापा पापा तो का दोनों जने के और कोनो काम बा के ना वही 10 बजे नहा धो के बैठ जाता। हमार सिंगार पटार कब होई। हम सवेरे उठ के रसोईए में जुट जाब तो हमार सिंगार कब होई। तमाम क्रीम पाउडर दुल्हा हमार लाइक धरे हैं ओका समय से हम लगाऊब ना। कितना अपने दुल्हा के हम ठीक लगब। एक काम करा महतारी कहन का कहन हमका लेट देखा करा तो चूल्हा में कुछ जलाई के बनाई लेवा करा खिचड़ी न डाई देवा करा। अगली लाइन में कहना है पैठ पतो ही आहू कुम चला वही बनके या फला। अरे मोबाइल पे हंसी हंसी छाटई उहई पालम से कानून चूसई सास ससुर कई खूनवा अरे बाप रे बाप। बिटवा हीरो होंडा के मोटरसाइकिल पाए बा। दुल्हनिया बोल पड़ी का हो यही बदे हमार बाप मोटरसाइकिल दे हैं। के का उढ़ाई ढकाई के तू कमरा में खड़ा के है। कहन आखिर का करी बतावा कतो घूमे टहरे के हो तो बोला टहराई घुमाई दे अबे ससुरारी तो नहीं जाता वत ही। अगर तुहार मन हो तो कहा चल चली घूमी आई एक दिन। दुल्हनिया कहस देखा अब ही हमरे बाबू के घरे जाए के तोके जरूरत नहीं ना। हां अबे तुहार छोट सार बा को ब्याह होई तो भात खाई बोलई है। एक काम करा चल के तनी के चौराहा पे घुमाए टहराई दा मोटरसाइकिल निकारे सुतुल्हा कहस बैठा उतनी के सज संवर जा एकदम 16 सिंगार करके दुल्हन बहरे पर्स लिए हाथ में जब निकल के आए तम्मा बाबू मुहारा के बैठा है कहीं बिटवा हमार जात। बाबू कहन कहां जात बिटवा। कहन काल चर्चा करत रहन कि बाबू हमार दुबराई गए अम्मा हमार कमजोराई गई यहां हो सकत कि पतो हु हमार भगवान लायक दे यहाँ। रात बिरात चर्चा कहे हूँ
कि चला कुछ ले आई इनका काजू बादाम टानी के लाई के दे दे कुछ शरीरी में ताकत आई जाए। बाबू कहन घबरा जिन बैठी रहा है एक घंटा में क्लियर हो जात कि कौन काजू बादाम टानी के लेके आवत है। बिटवा गाड़ी स्टार्ट के सो चल पड़ा। पहुंचा जब चौराहा पे तो करत काबा कहना है अरे दिन परानी गहन मार्केट पिए फूंक सिकरे मार्केट पियाई फूंक सिगरेट घर में माई बाबू रोवई पकड़ के अपन पेट दुर्लभ हो गया बाप हो जनवा अरे बाप रे अच्छे लाल भैया दोनों पुरानी गेंद चौराहा पे बढ़िया एकदम सिगरेट छलत बा धुआं उड़त बा गोल गप्पा चाव में फुलकी एकदम खींच के खाए। दुल्हिया कहली जाना हो कहन का कहन चार छह दस बड़ा बढ़िया पानी तो बड़ा शौकीन बनाए है गोल गप्पा का पानी बड़ा शौकीन बा कहन का करवैया हो कहन दस लेहे चला। वापसी में दस्त पन्नी में बांध के दोनों परानी द्वारे पहुंचे बूढ़ा कहीं देखा था कहन कहा कहनो लेके आई गई कहन इतना बड़ा बड़ा चौहार वो गोलगप्पा पन्नी में फूल आ रहा है कहीं चौहारा लेके लौटा लवट के जब पतो हुआ तो बोल पड़ी का कहता घूम बजरिया दुल्हा दुल्हिन खा पी के जब आए चूल्हा बर्तन होए न हमसे उहै पेट का दर्द बताए अच्छा मिला बाप हनवा अरे बाप रे अरे तोहरे हाथे के महतारी खिचड़ी खाए काफी दिन हुई गया का बनाए है बूढ़ा कहीं बिटिया हम तुहार राह जोहत है कि हमार पतो हुआ वही बिटवा हमार गबा कुछ खाए पिए के लेके आई बाजार से का लेके आई है कहीं नम्मा का लेके आई है कुछ सखी सहेलर नहीं हरे कुछ मनई मिल गए हुई बोलते ही बतलात में काफी समय हो गए हम दोनों जने लवट पड़े। अब उनके कहे कि भूख लागे जब बढ़िया टिकिया दो दो पत्ता समोसा चाउमीन जब खींच के खाए हैं तो कहां भूख लगत बा कहीं अम्मा एक काम करा तनी के अपने हाथे से आज तनी के हल्की खिचड़ी बनाए दे तू और पता नहीं कहे कि मीठा मीठा ही पेटवा में दर्द होत बा वारे समय वारे जमाना आज के समय में बाबूजी ऐसा ऐसा पहनावा है पहनावा के ऊपर कहना हुआ आधे तन का कपड़ा पहना ही सैंडल एड़ी उठाऊआ अरे बाप कट में बाल कटावई वही चल चाल मटकौआ जी राजा रई फैसाना वहां अरे बाप रे बा
दुल्हनिया बोल पड़ी, सुन ला हमार बात। बस यही खेती गृहस्थी में सारा समय बर्बाद हो चला जात बा। चौराहा पे घूमे गांव देश में ठहरे से घरे के खर्चा ना चली। एक काम करा। दुल्हा बोल पड़ा, बोला का करे के बात? कहत बाम कहै झमेला छोड़ा घर के जा निकला परदेश। दुल्हन बोल पड़ी, कहै झमेला छोड़ा घर के जा निकला परदेश, लेकिन खबरदार अगर भलाई चाहे रुपया दिया बराबर भेजना तो बदल जाई मनवा। अरे बाप रे के आखिरी बंद में कहना है, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी स्वर्ग की राह तकाई। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी स्वर्ग की राह तकाए, चंद्रिका कवि चांद बन चमके, अरे भारत कब गीत सजाए करते सीताराम बयानवा। अरे बाप रे बाप लहर म्यूजिक वर्ल्ड की तरफ से हमारे प्रिय अनुज भाई अजय जी की देखरेख में एक हास रस के विराह भेजत है। हमके आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कि आप सबके कहानी में जरूर आनंद मिली। जो ने विराह की शीर्षक हुई शिव का वरदान चमत्कारी डंडा, चार लाइन भूमिका में कहना है मास्टर सुरदा। हा
करता तुम्ही और धरता तुम्ही, दुख हरता तुम्ही हो ये भोला अविनाशी। अनहोनी को होनी कर देते छड़ में कृपा के ये सिंधु शिव काशी के पासी। करुण क्रंदन सुन करके भक्तों का अपने घुमाते दया दृष्टि भोला त्रिपुरारी। आशुतोष अड़पंगिया भाई अलौकिक, नमन सत सत तुमको ये बाघंबर धारी। आशुतोष अड़बंगी आभा अलौकिक, नमन सत सत तुमको ये बाघंबर धारी। बिरहा में वह कव्वाली लगल मास्टर, जय हो जय हो। आए मोहम्मद नबी वो, अरे आए मोहम्मद आए नबी वो, तेरा मदीना दूर है, तेरा मदीना दूर है। तेरा मदीना दूर है, रात दिन हाय हाय, रात दिन रहमत बरसती इसीलिए मशहूर है, रात दिन रहमत बरसती इसीलिए मशहूर है। मोहम्मद ऐ नबी वो तेरा मदीना दूर है, रात दिन रहमत बरसती इसीलिए मशहूर है। बड़ा सुंदर भाव कवि जी बिरहा में दिए। नाच करती है धरा, अरे नाच करती है धरा जो आन पर कुर्बान है, नाच करती है धरा जो आन पर कुर्बान है। नाच करती है धरा जवान पर कुर्बान है, अरे कलम भी दे कर सलामी, कलम भी दे कर सलामी गा रही गुणगान है, कलम भी दे कर सलामी गा रही गुणगान है। नाच करती है धरा जवान पर कुर्बान है, कलम भी देकर सलामी गा रही गुणगान है। यहीं से हास्य कहानी की शुरुआत बा मास्टर। सच्ची हो साधना, सच्ची हो तो भगवान मिलते हैं, निष्ठा लगन से विश्वास भाई खिलते हैं। नेपाल में मशहूर पशुपति का धाम सही, नेपाल में मशहूर पशुपति का धाम सही, बरसती शिव की रहमत जहां सुबह शाम सही।
मंदिर के पास में एक गांव बड़ा था न्यारा, मंदिर के पास में एक गांव बड़ा था न्यारा, परिवार गोवर्धन का है मुसीबत का मारा। नेपाल देश की कहानी है बाबूजी, पशुपत धाम की कहानी है बाबूजी। नेपाल की धरती पर मशहूर स्थान है, वहीं के रह वाला एक गोवर्धन एकदम मुसीबत के मारा परेशान। और परेशानी का बा एक बड़ी सरल परेशानी बा और बहुत भारी हुई परेशानी है बा। सबसे बड़ी समस्या उनके घर में दूध नहीं रहा। बाबूजी बड़ी सुंदर सुंदर भैंस लावे, भगवान के ना ही मंजूर हो भैंस खाली निकल जाए, और जब भैंस खाली निकल जाए तो दूध कहां से हो। यह सबसे बड़ा संकट बा, बिरहा में तर्ज लग गया। उहे गीत के लाइन बा, अरे बाएं गाल के चुम्मा दे सहाय भैलू गोरिया, चुम्मा दे बाएं गाल के चुम्मा दे सहाय भैलू गोरिया, दुलही पाई गई ले दुलही पाई गई ले, हम सिपाही में नौकरिया पाई गई ले, हम सिपाही में नौकरिया पाई गई ले। गोवर्धन अपने बाबूजी से कहे लगन कि बाबू बाबू यही बदे कहा था कि बेटवा तोके बड़े लाड़ दुलार से हम पाले हैं, यह सुविधा की है हमारे लिए। बाबू कहे लगन बेटवा बात का बा, कहन बाबू गांव में पहलवान आए हैं, उस्ताद लोग बनारस से चल के आए हैं, अखाड़ा बांधे हैं गांव में, बेटवा तुहार रियाज करी। और जब रियाज करी तो दूध दही मट्ठा की जरूरत पड़ी। बाबू भैंस लावा, बाबू कहन भैया भगवान साथ नहीं दे देन, भैंस तो बड़ी शौकीन शौकीन लावत है, एक काम करा बेटवा, दो चार दिन जाके पड़ोसी खिया काम चलाए ला। अरे तुहार पदे में भौजाई लगा थी, जाके कह दे भौजी दो चार दिन हमके दूध दे दा, फिर मार बाबू भैंस लाए दे हैं घर में दूध हो जाइयो। गोवर्धन जाके पड़ोस वाली भौजाई से कहे लगे कि अरे ए भौजी, कहना है गोवर्धन का देखी गुसिया आई गईली गोरिया, तो भौजी मार दी है ली, भौजी मार दी है ली, उहै तानावा के बनावा मार दी है, उहै तानावा के बनावा मार, उहै तानावा के बनावा मार दिहले ना, भाइयो मार दिहले ना, उहै तानावा के बनावा जो रोसा, उहै तानावा के बनावा मार दिहले गोवर्धन। पड़ोस वाली भौजाई से बोल पड़े, भौजी दो चार दिन दूध नहीं दे सकतू। भौजाई कहे लगी खबरदार गोवर्धन, चूनी चोकर तमाम पशुहार हम खियावत है, यही बदे के मार दूध से मंगनी चला जाए। अरे बड़ा शौकीन हम पहलवान बने के, तो घरे में भैंस बांधला। गोवर्धन कहन तेरी भौजाई की इतनी अहमियत ना इन फलाने के, कि दो चार दिन पैया आधा लीटर दूध नहीं दे सकतू। भौजाई बोलत बा, का बोलत बा, अरे की मिलावा भैंस ताबा दूध रोटी खइहा, दूसरे के आगे हाथ जनी फैलैहा,
जन भइल हा जे सलागत मानवाली बतिया बान जे सलागे बान जे सलागे अपमानवाली बोलिया बाबू आई गई ले भोले बाबा के समानवा आई गई भोले बाबा के ताना लग गया बाबूजी, पड़ोस वाली भौजाई का ताना लग गया। कहाँ जाता है तलवार का वार सहना है सरल, तलवार का वार सहना है सरल, कटुवचन का वार तिभारी है। कोई ना किसी का दुख समझे आज स्वार्थ के सभी पुजारी है। गोवर्धन के गोली के समान बोली लग गई। कहे लगन भौजाई, जब यह बात तुहार बा तो पहलवानी अब तब हम करब जब घरे में भैंस लागी। भौजाई के ताना लग गया बाबूजी। भगवान भोलेनाथ के बड़ा ही भक्त गोवर्धन रात दिन पूजा आराधना करत रहे। कह लगे अरे दुनिया के मालिक भोलेनाथ, यही बदे तुहार हम मंदिर में चल के फूल माला चढ़ावत है, यही बदे धूप अगरबत्ती देत है कि हमारे घरे में दूधे की कमी रहे। जा करके बाबूजी मंदिर में पहुंचे, भगवान भोलेनाथ को पुकार रहे हैं। गीत में कहना बा बड़ी सुंदर लाइन बा, खोस दीपला के देवरा, अरे खोस दीपला के देवरा बाटे बड़ा चीटर हो लगा दी राजा, अरे लगा दी राजा जी हमारे लहंगा में मीटर लगा दी राजा जी, लगा दी राजा जी, यही भाव में गोवर्धन बोल पड़े। अरे भोलेनाथ आपके अलावा नहीं, आपके अलावा सारा बदूसर कराए बाबा जी, अरे कराए बाबा जी दया लरिका के ऊपर कराए बाबा जी, कहे लगे भोलेनाथ आज आपके अलावा कोई सहारा देने वाला नहीं है मलिक, करा ना ये बाबा जी दया लड़का के ऊपर। किनी के भैंस बाबू घर वही में लाए, मिले नहीं दूध लोग हंसी सब उड़ाए, भैले निहाल आज चरण रज छू कर कराए बाबा जी, अरे कराए बाबा जी दया लरिका के ऊपर कराए बाबा जी, भगवान भोलेनाथ का आसन हिल गया बाबूजी। माँ गिरजा बगल में बैठी हैं, कह रही अरे स्वामी कहाँ खोए हैं आप, आधी आंखें मूंद कर भोलेनाथ कहाँ खोए हैं, आपका दास पुकार रहा है, रो रहा है,
चिल्ला रहा है आप कहां भटके हैं प्रभु। भगवान भोलेनाथ बोल पड़े कि सुना गिरजा, ये दुनिया है, ये संसार है, क्योंकि कोनो जरूरत बा, क्योंकि कुछ काम बा, परेशान मत हो। लेकिन माँ का दिल द्रवित हो गया, माई गिरजा कहल की ना भोलेनाथ, हाथ जोड़ के अपने अड़बंगी देवता के मनावे लगी गीत है बाप। स्वामी तर्जु है बाप कि बाबू दरोगा जी, ये बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया पधला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया माई गिरजा बोल पड़ी कि है भोलेनाथ सुना मोरे स्वामी हो, सुना मोरे स्वामी हो, तोहरा दास करत बा करुण पुकार, सुना मोरे स्वामी हो करुण पुकार, दया के सागर ज्ञान उजागर आप है अंतर्यामी, ये भोला दंश पुकारत रहा जोहारत, अरे दंश पुकारत राह जोहारत, कृपा करे है स्वामी अरे मोरे भोला हो, सुनायण बंगी हो कई तनैया के भव से अब पार, सुना मोरे भोला हो बार बार माँ गिरजा कह रही हैं भोलेनाथ, उन्हें दास के चल के मुसीबत दूर करा प्रभु, आप दुनिया के मालिक हैं, अंतर्यामी हैं। भोलेनाथ कहे लेकिन ऐसा बात बा गिरजा, हम चला दोनों प्राणी चलम मृतलोक में, चल के मंदिर में उन्हें दास को लड़का के पुकार सुनो सुनो। आखिरकार भगवान भोलेनाथ जिस मंदिर में बाबू जी गोवर्धन प्रभु के याद करत, भोलेनाथ के याद करत, साक्षात दोनों बाबू जी प्रकट हो गए। बिरहा कचहरी में कहना है, ए भैया प्रकट हो गईले भोला लहरी, अरे प्रकट हो गईले भोला लहरी, निर्छल भाव देख के आसन शिव का डोला, निर्छल भाव देख के आसन शिव का डोला, प्रकट हो गईले भोला लहरी, दोनों प्राणी मंदिर में पहुंचे गोवर्धन इतने में बाबूजी भगवान भोलेनाथ के पांव में गिर पड़े, चरण में गिर पड़े, कहे लेकिन धन्य है स्वामी, धन्य है दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ, आज हमार भक्ति धन्य हो गई, आज हमार जीवन सफल होगा। गिरजा माई कहीं बिटवा बड़ा विनती कही कि इनका यहाँ तक लेके आई ही, लेट मत करा, लेट मत करा, जो परेशानी हो बोल द, मौका बढ़िया मिला बा, जितनी दिक्कत हो बोल दा, का दिक्कत बा, का परेशानी बा। गोवर्धन कहे लगे कि माई आप समझते हो हमार परेशानी, सब कुछ घरे में बा आपकी कृपा से, बस दूध नहीं ना,
अगर दो टाइम के दूध हो जात घरे में तो जान ला सब कुछ हमके उपलब्ध होगा। कहीं भोलेनाथ से मांग कहे नहीं लेते आते उहे लाइन बा गीत बा बड़ी पुरान तर जाएगी मास्टर लागल मसवाया साड़ अरे भर गया नदी और नार रात दिन मा हो गया गाड़ है ननद के बीर नारत रात दिनवा रात दिनवा रात दिनवा रात दिनवा रात दिनवा हो गया गाड़ है ननद के गोवर्धन कहल गई कि माई भगवान से सुन के यहाँ भाई कही दा गिरजा माई कहल गई बेटवा तू नहीं कहबा कहन माई कही दा माता री माई गिरजा भगवान भोलेनाथ के तरफ इशारा करके कहे लगी कि स्वामी सुना है लड़का के परेशानी का बा बालक की सुनकर उन पुकार बालक की सुनकर उन पुकार गिरजा बोली बहन उचार बिनती सुन लिया है त्रिपुरार विपत बाटई गहरी बिनती सुन के गिरी जाके बात शिवजी मन मने मुस्कान सुन के गिरी जाके बात शिवजी मन मने मुस्कान लकड़ी दिए बालक हाथ हंस के भोला लहरी लकड़ी भगवान भोलेनाथ गोवर्धन के तरफ इशारा किए बोला का दिक्कत बा बोला ना कहन प्रभु क्षमा करी हैं हमार भैंस बाबू जोन खरीद खरीद लावत हम सब खाली निकल जात था दूध नसीब नहीं होत बा रात दिन आपके पूजा आराधना हम कर थई सेवा कर थई तो दूध के संकट रहा घरे में भगवान भोलेनाथ कहन जोन परेशानी रही तौन होई गई अब आज भेंट होई गई बा आज के बाद परेशानी ना होई भोलेनाथ एक चमत्कारी डंडा अपनी माया से प्रकट किए और गोवर्धन को सौंप दिए के ले जाके संभाल के रखा गोवर्धन कहल गिन करे प्रभु ई डंडा का होई कहन यही डंडा से जौन शौकीन भैंस बांधे है दुआरे यही डंडा की कृपा से दूध दे लगी कहन भगवान ई डंडा का करब कहन हम बतावा तही पहला डंडा जब बाजी पहला डंडा जब बाजी बच्चा पे डोले लागी दुख दर्द सब भागी बा सुना हमारी दुख पहला डंडा जब बाजी बच्चा पेट डोले लागी दुख दर्द सब भागी बात सुना हमारी होई दूसरे का यह सांस होई दूसरे का यह सांस मामिला हो जाई खलास घर में खैया दूध भात विपत भागी सगरी घर पर कहन पहला डंडा मार देगा तो भैंस तुहार एकदम करीब हो जाए गाभिन हो जाए इतने में तो गोड़े पे बहराए पड़े गोवर्धन कहन प्रभु लेट दर्शन भा लेकिन दुरुस्त भा धन्य है प्रभु अब हम ले चलते ही डंडा बहुत जतन से रखा कहने का समार के रखा कहन प्रभु बस एक डंडा मार दे वही समार गाभिन हो जाए फिर एक हम ले जाए के रख दे कहन सुन ला एक डंडा मार दे जब वही से एकदम गाभिन हो जाए तो ही लागे दूसर को मार दे एकदम मामला क्लियर हो जाए तुरंत बच्चा कह दे गोवर्धन के खुशी के ठिकाने ना ना डंडा लेके भाग चले बाप रे बाप माई गिरजा कह लगी ए बेटवा
पहुंचे पे तो चरण स्पर्श के है, अब डंडा पाई गया काम बन गया तो प्रणाम दुआ प्रणाम भूल गया। कहन महतारी खुशी के ठिकाना ना ना, हम ही सोचते थे कितना जल्दी पहुंची और भैंसी के तुरंत एक डंडा चरण बंदन के आशीर्वाद लेके गोवर्धन लेके डंडा चल पड़े बाबूजी। और जब डंडा लेके पहुंचे दुआरे तो मन में विचार कर फिर बुलाए बाबू के कहन, हे बाबू डंडा मार घुमाई के धर दिए। तहां कहन बाबू हम आइए, कहन कहां से आई है दुहाई भगवान। अरे कहन मार बेटवा खियावा पियावा लड़का आई भड़क गया। कहन कहूं ककरहवा पर कित नहीं आवत है, मार डंडा घुमाई के लेकिन बाबू भैंस नहवाई दे, बाबू भैंस नहवाई दे। कहन बेटवा तुहके का हो गया। अरे भगवान कहन भैंस नहवाऊ, 2 घंटा बाद पहले चला सुद्धू ओझा किया, पहले चला हम तुमके दिखाई। अरे भगवान ये कोनो थान लग गया लड़का के। हमरे कहन कुछ नहीं, थान शैतान नहीं लगा बाबू, भैंस नहवाई के अलावा बांधा सामने बेटवा के बात मान के बाबू भैंस नहवा धोवा के जब सामने लाए वह गोवर्धन एक डंडा खींच के मारे। जब एक डंडा भैंसी के लगाए तने में भैंस बढ़िया एकदम कोन तोड़ खड़ी बा एकदम लटक गई बाबू एकदम आवाज। अरे कहन बटवा ये का कह दे है, कहनी हमारे भक्ति की शक्ति आ यही बदे समय देत रहे भगवान भोलेनाथ के पूजा में। कहत रहे बाबू ना देख लिया चमत्कारी डंडा भगवान शंकर के दीने आ, अब तुरंत बाल्टी उठावा। अरे कहन बटवा बच्चवा तो हो दे कहन बाल्टी एक तो जावे बाबू, कहन बाल्टी लावे हर दूसर के डंडा, दूसर का डंडा मारे मास्टर रोशन भाई के तने भैंस फटाक से पड़वा भी आई, पड़वा गिरा धरती पे। बाबू के एकदम खुशी के ठिकाना नायन, कहन बाबू आप भैंस लगावा हम मिल ले भौजाई से, डंडा धरई के भुलाई गे भगवान भोलेनाथ के हरन के समार के रखे, लेकिन वो डंडा कहाँ रखा था। डंडा लेह लेह पहुंच गए पड़ोस वाली भौजाई को बुलाए, कहने भौजी भौजाई समझ गई गोवर्धन फिर आएगा, फिर बवालई करी। कहीं जब तोहके बताए दिन के दूध ना हो पाए तो बार बार कहे परेशान कर दो गोवर्धन, कहन सुन ला अरे हमके तुहार दूध ना चाहिए, लीटर 2 लीटर कम पड़े तो हमारे यहाँ से लावा, कहीं ना हमका तुहार दूध चाहिए ना अपन दूध। कहन तेरी भौजाई की वही डंडा, डंडा लीन है यहाँ एकदम मिजाज बन गया, खींच दे एक डंडा इतने में बाबूजी 9 महीना का पोजीशन, 9 महीना का पोजीशन सामने दुल्हा बंबई में, परदेशी बंबई में। अजब 9 महीना का मामला गड़बड़ हो गया मास्टर, तो डंडा लेके वहां से गोवर्धन फरार हो गए, बाबा बवाल बढ़ाई के वहां से फरार हो गए। और दुल्हा वही दिन संजोग से बाबूजी काफी दिना के बाद विचार की है मन में, काहे ना चल के हम घरे पहुंची, दुल्ही से लड़कन से भेंट मुलाकात करी, बढ़िया सूट केस टांगे बगल में, बैग टांगे 2 किलो के मीठा के पैकेट अंगुली में लटकाए, पान खाए बढ़िया, पहुंच गया द्वारे, आवाज देते बुलाए का हो कहां हो, अब कैसे निकरें बाबूजी मामला तो गड़बड़ बाप। 2-4 मिनट इंतजार किया, सोचा तो बकमार दुल्हन भीतर से बाहर नहीं आवत, जब दुल्हा घरे में पहुंचत बा दुल्हनी के पोजीशन देखेस बाबूजी तो सूट केस बहाई देस उठाई, झोला दाएं गिरा बैग बाएं गिरी, मीठा झटक देस पिछवारे गिरा, दुल्हा परेशान अब बोल पड़ा हुआ गीत बा, कहाँ रहत बड़ेरी बोला आज बड़ेरी बोला कागारे जना राजा जी आई है, जना
यहाँ मोर यही है जना सैया मोर मोर मना मोर मना मोर मना मोर मना मोर मना सजिए से लागर जना राजा जी है मोर मना सजिए से लागर जना राजा जी दुल्हा एकदम गरम बा एकदम दुल्हा का मिजाज गरम हो गया कहे लगा यही बदे कहत रहो दो पैसा बहरे कमा यही बदे कहो कि हमार भैया जात हैं चला जा बंबई हमका सारे के साथे पठाई दियो तू यही दिन देखई के बाकी रहा दुल्हनिया कहे विश्वास कर हम दोनों लड़कन के कसम खात है भगवान के सौगत खात है हम एकदम बेकसूर है कहन तुहार हाल देख के के कही भगवान कि तू बेकसूर हो डेढ़ फीट बहरे निकरावा तू बेकसूर हो अरे काहे बढ़ायु परे सानी हो गोरी कई के नदानी के नदानी गोरी कई के नदानी अरे घरी माटू बायु खानदानी हो गोरी कई के नदानी दानी हो गोरी कई के नदानी काहे बढ़ायु परेशानी हो गोरी कई के नदानी और गरिमा डुबायु खानदानी हो गोरी कई के नदानी तोहके हम कहा समझत रहे कहा से कहा निकल गए सोना समझ तोहके खा गई ले झांसा अरे भगिया फूटल निकलू तू पीतल का सा तू पीतल का सा अरे पानी रे पानी रे पानी रे पानी रे अरे पानी गवायु कहाँ रानी हो गोरी कई के नदाने पानी गवायु कहाँ रानी हो गोरी कई के नदानी दुल्हा के सामने दुल्हन आंख में आंसू लेके खड़ी के भगवान हमरे समझ में नहीं आवत है हमरे समझ में नहीं आवत है कि हमरे साथ ही होई कागा ये पड़ोस वाला गोवर्धन न जानी कहाँ से कटंडा जवने दिन से हमके मारे बा वही दिन से हमार मामिला गड़बड़ान बा हम बेकसूर हमार दुल्हा एकदम गुस्सा में है न भोजन करत है न पानी पियत है भगवान करित का करी और गोवर्धन पहुंचे घरे वह डंडा लेके पहुंचे कहन ए बाबू कहन बाबू डंडा देखा था कहन देखा था बेटवा एक संहार के रखे अब बड़े टाइम से और बढ़िया दूध दूधों में कमी नहीं ना भैंस बराबर लगत बा कहन बाबू बिल्कुल हैरानी ले हैरानी ले जिन हमारे भक्ति पर विश्वास रखा रच्चव दूध 20-19 देखा तुरंत हमका इशारा के हम फिर चबक देवे के डंडा भैंस ताजी हो जाए कहन बेटवा बे धार बराबर चारों छीमी में गिरत बा दूध है कमी नहीं ना डंडा संभार के रख दे कहन डंडा तो रखीन दे तही हम बाबू एक डंडा दूध के ताना मार दे
एक पैया दूध के सवाल रहा बाबू, कहीं बड़ा शौकीन हो भैंस बांध ला और वह डंडा ले रहे बाबू, बर्दाश्त नहीं भा बाबू, कहन का किया, कहन बाबू संभाल नहीं पाए, कहन का किया, कहन बस पहुंचते एक डंडा मार दिन मामला ऐसा हो गया। अरे कहन मारा हमार पगड़ी डुबो दे, चारों तरफ चौधरी काका चौधरी काका चौधरी काका, इतना मान मर्यादा पूरे क्षेत्र में, जगह जगह तू चमत्कारी डंडा लेके घूमता, भगवान भोलेनाथ तोहका दे हैं भैंसी के मारे की तू मनई के मारता, कितना इल्जाम लगी लोग का कही हैं, कहन बाबू जवन हो नहीं रही तवन होएगी, कहन होई तो गबई की खबरदार आज के बाद अगर डंडा घरे में रहा रोशन, खबरदार अगर डंडा घरे में रहा, कहन बाबू न रहे बांस न बाजी, अगर हमरे हाथे में रही घरे में रही तो कहूं कहूं चल जाए, एके ले जाओ हम बड़ी दूर भाई दे, ले के चल पड़े काफी दूर निकल गए। जब काफी दूर निकल गए सामने बाबूजी सजलोका के टाइम हो तो एक कुआं दिखाई पड़ा, वही कुआं में विचार कर रहा कहूं जमीन पे बहा दे तो क्यों हाथे लग जाए, क्योंकि हाथे लग जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए, यही कुना में डंडवा बहा दे वह गीत के लाइन बा। उहे गीत बा एका हमरे स्वर्गीय गुरु जी गावे दद्दा राम देव जी, हरे लागल लहंगा में आग, लागल लहंगा में आग बुझाई पाई से, लागल लहंगा में आग कनवा के बाली जले उठवा के लाली, अरे मगिया के सनहुरा बचाई कैसे, लागल लहंगा में आग बुझाई कैसे, डंडा गोवर्धन वही कुआं में बहा दिए, जब बहा दिए तो होत का बा, अरे वही कुआ ना में डंडा, अरे वही कुआ ना में डंडा बहाई दिया ने, वही कुआ ना में डंडा जोने स्थान पर कुआं बा, वो एक सम्मानित चौधरी के द्वार रहा बाबूजी, चौधरी के बिटिया के वही दिन विवाह बा, बारात आवे वाली बा, सारा जलपान पानी पिए के बरातिन के व्यवस्था चौधरी वही कुआं से कहे हैं कि बराती हमार दूर दराज से ही है, सबके ठंडा पानी यही कुआं से एक एक गिलास पिया दिन जाई, और गोवर्धन ले जा के डंडा वही कुआं में बहा दिए कि क्यों हाथे न लगी मामला ठीक हो जाए, अब बाहर बहा दे तो क्यों पा जाए फिर कहूं मार दे तो गड़बड़े होई, वही कुआं में डंडा बहा दिए, मुखिया के बिटिया के, अरे मुखिया के बिटिया के अली बरतिया अपनिया पियाई सब कर स्वगतिया, मेहनत मजदूरी सब पाई गई ले, वही कुआं में डंडा बहाई गई ले, वही कुआं में
बहाई दिया दे बराती सब गर्दा झारत पहुंचे सब सब कतार में सब खड़ा है। इतने में चौधरी आए बारात माली के बुलाए संधि भैया सब पहुंच गया हां के देखो गाड़ी पीछे बा कहन भैया सब आई गए हैं और लगभग सब पहुंच गया हां कहन सब के क्लाइंट खड़ा कह दे पहले ताजा पानी सादे दे दे के गिलास फिर आइटम पैकेट में बंधत बा एक एक गिलास पहले पानी दे दा हां मुंह धोए और फिर मीठा लगा लगत बा बराती सब दूर दराज से आए रहन गर्दा झारन सब खड़ा है और लड़का एकदम तैनात हां सेवा बाल्टी में पानी लेके हाथ में लोटा लिए गिलास लिए सब एकदम टाइट है। चौधरी बोल पड़े कि कमी ना होए के चाहिए लड़के सबके पास पानी पहुंचे के चाहिए एक एक गिलास जेका पानी दे दे भैया रोशन आधीन गिलास पीते ही मान इतने में हो जाए पिटवा और जब जेकर इतने में हो जाए आनू मुह कैले कि घुरहु न देख पावे बगलिए खड़ा हां ना तो भियान चौराहा पे अंडे बंड बोली है इतने में उनकर मामला गड़बड़ान रहा जब बगल वाले एक गिलास पाई गए उन्हों को ही हाल हो गए ओवानु मुह कैले हैं जगजीवन न जान पावे इतनी बड़ी परेशानी जितने बाराती हैं एक दूसरे के चक्कर में सब गड़बड़ाई गई फलाने न जान पाऊं फलाने जान पाऊं एक एक गिलास पानी के सब बाराती की पोजीशन गड़बड़ हो गया। परंपरा है रीत रिवाज के अनुसार जब गांव में बारात आवत है माता बहन लोग सब बाराती देखे दुल्हा कैसन है बाराती कैसन है और सब सब माता बहन लोग आ गए सब दूरी से देखते हैं जब बरातिन के पोजीशन देखी कपार पीटे लगी कहीं अरे बाप और बड़ा कहीं अरे बाप ऐसन देखे ना बरातिया अरे बाप रे बाप ऐसा देखे ना अरे बाप रे बाप ऐसा देखे ना बारातिया अरे बाप रे बाप आपस में सब हंसी उड़ा वहीं मिलके सखियां सारी आपस में सब हंसी उड़ा वहीं मिलके सखियां सारी नर हो करके नारी वाला कमवा रहे सम्हारी भारी भैली दूरा गतिया अरे बाप रे अरे बाप रे बाप तमाम माताएं बहने भारी संख्या में गांव के लड़का सगियान सब बराती देखे बदे आए हैं बरात देखे बदे आए हैं कि बराती कैसन है बराती के पोजीशन देखते महान सब क्यों पूरब निकल गए कि पछो निकल गए जे जौनी के रास्ता पाएन वही की चली पर की दुहाई भगवान के रे भगवान हो जौन काम मेहरारू के तौनी बराती समारे यहां मेहरारू एकदम बड़े चक्कर में फंस गई गांव के कि चौधरी ये बारात बुलाए हैं कहां ऐसे बराती ना देखे अभी तक कजिया हो धकी धक ऐसन बराती ना देखे अभी जिया करई धकी धक
अरे खड़ा होई बराती सब लखई टकी गजिया होई धकी धक जकरे बिटिया के बारात आई बेल चौधरी के लगे के सूचना देश के चौधरी यहाँ बैठा हिसाब मिलावता कहन का भा भटवा का भा कहन चल के बारात देखा जनवासा में पहुंचा कहन का भवा कहन जनवासा में पहुंचा देखा का आई है बाराती है ने कहन भैया बरातिन तो बुलाए रहे हम जब देख के आए बरतियन के तो बरातिन रहे अब का हो भगवान कहन देखा तो चल के चौधरी काका चश्मा लगाए पहुंचे बरातिन के तरफ निहारा था सब एक कई पोजीशन रच्चे वो नहीं समझ खात रहे लंबाई चौड़ाई से भले फर्क रहा है लेकिन पेट वाला भार उतना ही रहा और देखता ईमान चौधरी की पगड़ी हिले ला कि भगवान का करते हमारे साथ अबे पूरा आइटम रखा ही बा कहो एक एक शादी गिलास पानी के नतीजा या इतने में लड़का के बाप आयन कहन चौधरी हमार बराती देखा कहन तू अपन देखा लिया आई है तू देखा हम ईसन बुलाए रहे इनका सब कहां पाया है कहन चौधरी बोला ना बोला ना अगुआ के बुलावा अगुआ बेचारे पता पाए बराती गड़बड़ाई गया हाँ दूसरे चौराहा बैठा रह जाए हाँ कहन अगर यही हमारी बगल तो हमका खींच ली है बड़ी दूर चला गए रहे कि जो उन्हें भेंट न हो लेकिन कैसो कैसो सिनाकत लग गए अगुआ खींच के आए अगुआ पकड़ के आए दुल्हा के बाप बोले कहा भैया भैया अच्छे लाल यह करे के रहा जब जानते रहा कि गांव की पोजीशन बा काहे बदे यह टांका लगाया है काहे बदे रिश्ता सेट कराया है हम अहीन रहे फंसावई के अगुआ कहन दुहाई सरकार की बहुत ब्याह कराए मोर भाई बहुत जगह लगन सेट कराए लेकिन ऐसन रिश्ता कबो होना है परेशान हो गए तने में दुल्हा के बाप कहन चौधरी अब सोचे बिचारे से काम ना होए कौनो जतन करा ना तो रात पहाड़ हो जाई हमार बराती यही पोजीशन में होगी यहाँ के बारे घर हूं ना जा सकत है कहन घबरा मत हम समझ गए कहन कहा समझ गया कहन कौन ऊपरी चक्कर या और कौन उस बात न हो कौनो उस घबराए की बात ना ही नहीं या ऊपरी कौनो बाधा हमारे गांव के सुद्धू ओझा बड़ा मशहूर हैं बुलाए बस पहुंचन की जान ले बीमारी खींचे सुद्धू के लगे चौधरी पहुंचे कहने सुद्धू अरे भाई जल्दी से अपन सरोता झुलिया नब्बू जयफर जो कुछ हो सब लेके चला जाऊन कमी हो बतावा रास्ता में ले ले दुआरे बिटिया के बारात आ बराती की है हाल बा और चल के जल्दी देखा बात का बा सोखा आ गए पापड़ के लाइन बा अरे सोखा के चलल नाई सोखाई वही कुआना में अरे सोखा के चलल नाई सोखाई वही कुआना में अरे आए पैदजी भय वाला दवाई वही कुआना में सुद्धू ओझा पहुंचे देखते ईमान बरातिन के तो पसीना हो गया कहन चौधरी एक काम करा कहन का कहन थोड़ के बहरवाई दे कुछ दूर हम ही दुठ बोरिया दे हम ही बैठा थे अब बरातिन के कह दे सब लाइन से हो जाए जवन दाए बाएं छिटका है सब बुलाई दे कह दे घबराई के जरूरत नाई ना हम बड़ा तगड़ देवता पूजे है कहन चौधरी कहन तुहरे ऊपर बड़ा विश्वास बा सुद्धू बड़ा विश्वास बा तुहार दूर दूर तक नाम रहा आज गांव में संकट आए भाई परेशानी दूर करा सुद्धू ओझा कहन चौधरी भाई घबराई के काम नाई ना बढ़िया धरती पे ऐसा गोला बनाए ऐसा गोला बना के बगल फूल सटा दिए आरी आरी फूल लगा के लोहबान धई दे अगरबत्ती सुलगा दिए कपूर जला दिए हां बच्चे लेके काटत है
लगे देवी देवता मनावे कि जननी कहावा लगायु यतनी बेरी अरियना से पुकार तोर पूजरी अरियना बाप सुधु ओझा पूरी ताकत लगा दिए सब देवी देवता का नेको देवी देवता का नाम रट डारे बाबू जी बच पे बच दो दो चर चर पैकेट अगरबत्ती सब जली फूल माला सब चढ़ा दिए कहन चौधरी चौधरी भाई अपने कर्तव्य हम चूकत ना यही और न चुकबे करब एक बराती के जाए के पेट ठोक के देख ले रचो अगर वो नहीं सुभाव तो हम फिर कसी जितना लाइन से बराती खड़ा रहा जो उन सबसे आगे रहे उन्हीं के पेट चौधरी जाए कहन भैया कुछ हलुकान कहन चौधरी काका बुरा न माना तो सही पूछा तो न यहरे हल बात बा यहरे वजन हो चला जाता हाँ कहन वो हर्ष का होत बा कहन एकर जरूरत लग गई बा इतनी बड़ी संकट उनका रहा नंबर दो दूसरे पे जोन रहा उनका जब पूछा था भैया तुहार का हाल बा कहन हम तो नंबर एक कैले है अरे बाप रे बाप सुधू ओझा कहन भैया चौधरी एक गिलास पानी मंगावा एक गिलास पानी पियावा हम फिर कसम फिर देखत है हम चौधरी पानी कहाँ दे व्यवस्था में कमी नहीं ना लड़का एकदम बाल्टी भरे खड़ा तो राम सुधू ओझा जैसे पानी मांगे एक गिलास पानी हाथ में आई और जैसे सुधू ओझा आधी गिलास पिए मुहे गिलास लगाए आधी गिलास मुहे गई कांच तने में धोती खुल गई अरे भगवान हो नीचे के भारी पहलवई से रहे ऊपर पोजीशन गड़बड़ाई के कहन चौधरी 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 कहन बोला भाई सुधू कहन हमार सरोता झोला कौनो लड़के से पहुंचाई दे लाइक तो हम चला आए रहे लेकिन जात के हमसे न जाए बड़ी समस्या ये बा कि पता नहीं घर वाले चिन्ह पावत हैं कि ना चिन्ह पावत हैं हमका चले जाए दे हम भलाई बा सुधू ओझो गड़बड़ाई यो है पानी पी के कहना है अरे सोखा के चलल नाई सुखाई वही कुआना में आए बैद जी भैया आए सोखा के चलल नाई सुखाई वही कुआना में आए बैद जी सबका दे दवाई वही कुआना में
सुधु काका वहां से फरार हो गए, इतने में सब बराती और खड़बड़ाई गई। केहन चौधरी अब बतावा, सुधु तो निकल गए ओझा के बस के, तो परेशानी दूर करे के नाई रहे। वो खुद जौन मुसीबत के परेशान हम, वह मुसीबत लेके तोहरे ओझा चला गए से। चौधरी काका कहन भैया घबरा जिंजा, अबे समस्या के समाधान होए। हमारे गांव में ऐसा अनुभवी वैद ऐसा नारी के जानकार वैद कि पहुंचते मान जहां तुहार सब कहा था पकड़न तहां बीमरिया खींच ली। कहन काका देर जिन करा वैदों को बुलावा, देर मत करा वैद के लगे सूचना पहुंच गई। एक झोली जड़ी बूटी भर की, बड़ी पुरान पुरान जड़ी बूटी लेके भैया एक झोला भर के वैदराज पेश हो गए। चौधरी के द्वारे जब पेश हो गए, अरे वही दूर से आए वैदराज दे सबके दिलासा हो। कहन घबरा मत भैया हम आई गए, अब पहले पानी हम ही पियावा, हम ही बहुत पियावा। अरे कुआं के पानी तुरते दिए पियाई वही कुआना में, अब दुखहर दाका लिए दुखा पछुआई वही कुआना में। दूर से आए बैद रहा दे सबके दिलासा हो। कहन पहले पानी हम ही पियावा, हम ही बहुत पियासा हो। कहन चौधरी ऐसा ऐसा जड़ी बूटी बा हमरे पास, ये पुरान जड़ी बूटी जो ने कहा सौंध के हम रखे है, ये आज ही कामे आए और एक कबो जरूरत नहीं पड़ी। जितनी जड़ी बूटी झोला में भरे हैं कहन एक काम करा चौधरी। कहन का? कहन दवाई तैयार करे से पहले पहले एक गिलास पानी पिया दा, बस आपके आदेश में हम जल्दबाजी में चल पड़े घरे। पानी ना पिए पानी तो लिहे खरे यहाँ लड़के, पानी लिहे लड़के टाइट है एकदम खड़ा। हाँ कहन काका तुरंत ले वैद्यराज जैसे एक गिलास थाम है पानी, आधी गिलास पिए रहे भैया। जवन हाल बरातिन के जवन हाल, सुधु के वही हाल वैद के हुई गई। जब वैदों को हाल हो गए तब चौधरी बड़े संकट में कि भगवान अब का करी हम, बराती कैसे ठीक हैं, ये तो सम्मान जाए चाहत बा बराती हमार सब परेशान है, आखिर खातिर भाव कैसे चली है पानी दे दूसरा आइटम के नाव ले लें तो बिगड़ जाए बराती। सादा पानी पी के तो परेशान रहा चौधरी एकदम के उसे कह देहन कि भैया कहता कुछ दूसर चलाई दे, मिठवा हम बनवाई बनवाई सब धरे है, थाली में सजाई सजाई सब धरा बा, तो जवन होई के रहा तवन होई के बा, आखिर सबको खड़त बटबई के पैकेटवा थमाई दी एक एक पीस खात रहा। बराती कहें काका बोले जिन सादा पानी पियाए दे है ई हाल भई बे, आ कहूं अगर मीठा खा लिन त का हाल होई, खबरदार मीठा दिखाया ना। बड़ी परेशानी होई गई, ओहि नगर के राजा के सूचना मिली आल्हा में कहना बा हाय राम पूरब के सूरज भैया, अरे पूरब के सूरज भैया पश्चिम से उगैले बाबू, व्याकुल सब लोग भारी माचा को हारा। कुछ लोग जाके खबर थाना पे बतावे भैया, पाई के खबर आई गई थाने ता,
गांव के मानिंद प्रधान जी चौधरी के दरवाजे पे आए। चौधरी कहे लेकिन प्रधान तनिक थाना पे सूचना दे दा, तनिक बताया दा कि उनके हलका में दरोगा साहब को बताया दा कि उनके हलका में ये है हाल बाल, कम से कम थानों पर तो सिपाही पुलिस आई के देख लें दुआरे का पोजीशन में हमारे बरातिन के का हाल बा। दरोगा को प्रधान जी जाके सूचना दिए, दरोगा साहब जब सूचना पाए तो कहें हम कौन सिपाही के न भेज, ऐसा हम बरात देख भाई हम ऐसा नहीं सुन रहे कि कहो जितना मन से धो सब बराती में सब गड़बड़ाई जाए। कहन साहब को सिपाही के भेज के जानकारी करवाया, कहन के सिपाही न जई हैं, दरोगा चली हैं। दरोगा साहब पहुंच गए, जब दरोगा पहुंच गए तो पुलिस दरोगा अधिकारी के द्वारे आवत हो तो बड़े सम्मान से साहेब बैठे, साहेब बैठे, साहेब बैठे, वही कुर्सी पे बैठ के साहेब पियै लागे पनिया। अरे वनहू के पेटवा में डोलला कुमार हो, दरोगा साहेब कुर्सी पे तो बैठ गए और कुर्सी पे बैठ गए तो ना में एक सेवादार एक लड़का ला के गिलास पानी दे, मीठा खाए पानी पिए, पानी तो पी गए। दरोगा जी कुर्सी में तो बैठ गए, बैठ गए लेकिन धीरे धीरे पानी पिए के बाद पोजीशन उन्हों के 9 महीना वाला हाल जब सबके भवा रोशन भाई वह हाल दरोगा को हो गया। चौधरी कहन साहेब तनी के खड़ा हो के दूर तक देख ला बराती वहां तक खड़ा है, बैठे बैठे आप कहीं से न देखे ये दसई जने के ना देखा वो पिछवा तक सब बराती रहे जो खड़ा है। दरोगा कहन चौधरी बैठे के तो बैठ गए, खड़ा कैसे हुई कहन साहेब का भा, कहन निचवा से जने पहले कुर्सियत खींचा, कुर्सिया खींच निचवा जने पकड़े रहा तो हम खड़ा हो जाए। कहन साहेब का हो गया, कहन जमन हाथ तोहर बरातिन के उहै हाल हमारे बाप कुर्सी के बैठ पे, कुर्सी पे बैठ के साहेब पियै लागे पनिया। वो नहु के पेटवा में डोलला कुमार हो, मनवा में राजा जी करेल विचार बाबू, जे जे हमें दुख दूर करे बदे वो सब दुख अपने ऊपर ले लें। सुधू ओझाए नहु परेशान, बैद जी आए नहु परेशान, दरोगा जी आए ओ परेशान। आखिरकार बाबू जी अंत में वही नगर के राजा के सूचना मिली कि चौधरी के दरवाजे ऐसा ऐसा बात बा जो की उजात है सबकी गड़बड़ी हो जात बा। जब महाराज चल के आए दरबार से चौधरी के दरवाजे पर तो जब जैसे पहुंचे महाराज इतने में राजन की जय हो, राजन की जय हो। चौधरी कहे लगे महाराज बैठे आसन ग्रहण करें जलपान करें फिर आप देखें सब का होत बा। दिमाग दौड़ा दिए राजा, राजा कहे लगे पानी रोके रहा, पानी रोके रहा। चौधरी पानी बाद में पहले का समस्या के समाधान हो दा, आखिरी परेशानी कैसन होत बा। कहन चौधरी पानी का खियाया बरातिन के बताओ पहले इतना इनका सबके आइटम का दिया। कहन दुहाई सरकार की, कहन महाराज केवल यही कुआं से पानी निकाल के सबके पियावत है, न कोनो वे चाय नमकीन मीठा सब एक लाइन से पड़ा बा, केवल यह पानी पानी। कहन केका केका पानी दे, कहन जही ने आवत पानी से सेवा होत बा और सब गड़बड़ाई जात बा। राजा कहे लगे हो न हो कहूं पानी से तो नहीं गड़बड़ी बा, कहन पानी कहां से देता, कहे नहीं कुआं से, यही कुआं से पानी देते।
एक बड़वार बांस के लग्गा मंगाए, बड़ा बांस के लग्गा मंगाए राजा। अब कायल गए नहीं मैं तनिक घुमावा तो अगर कुछ होई तो ही डंडा में लगबे करी, कुछ होई तो ही लग्गा में टकराई। जब महाराज के आदेश से बाबूजी कुआं में लग्गा डोले लगा तो जमन डंडा वही गोवर्धन बहाए रहे वो जब वही लग्गा में हर वहर छू जाए खड़भड़ खड़भड़ करे लागे तो कहे महाराज हम कुछ बोलत बा कहने का खींच के कैसो कैसो बाहर लावा संजोग गति ऐसे कि चौधरी के द्वारे पे दूर दराज में चर्चा फैल गई। गोवर्धन के बबुओं की सूचना मिल गई रहे उन्हों के जू में तसल्ली ना पड़ी कहन चल के हम देख ले चौधरी के द्वारे कहा हो तो वह कहूं हमार बेटा उन्हें तले जाएगी डंडवा नहीं बहाय देवा। गोवर्धन से हम कह रहे कहूं डंडा दूर ले जाए के बहा दिया हमके लगत बा वही कुआं में ले जाएगी डंडा बहा दी है। गोवर्धन के बाप आके वही खड़ा है इतने में गोवर्धन के काने में भनक पड़ी के बता दिए ऐसा ऐसा हाल बा चौधरी खिया तो गोवर्धनो आके वही पहुंच गए जहां सब लोग इकट्ठा है कहना है अरे कुआं से निकाले लोग बागऊ लकड़िया क्रोधित बाबू दिहले गोवर्धन के मार पहला दंड पड़ल भैले पौआ के भारी दूसरा दूसरा लागल आवई मुहा से डकार हो अरे बारी बारी से डंडा सब पिठियाई पे रोपे पैदा भने पाली सबका भैले उद्धार बाबू महाराज जब जब डंडा निकलवा लिए कुआं से जब डंडा बाहर हो गया तो महाराज कहें नहीं डंडा के करामात या गोवर्धन के बाप वहीं बगल में खड़ा है कहें महाराज डंडा हमके दीन जाए कहें डंडा का करबा कहें पहले हमके तो दा डंडा जब पा गए गोवर्धन के बाबूजी बगलिया में गोवर्धन खड़ा है कहें सब ही करतूत अगर कुआं में डंडा न बहाए हो तो आज इतनी बड़ी परेशानी चौधरी की न खड़ी हो। कहो द्वारे गांव देश में बरात आए चौधरी के दरवाजे पर इतनी बड़ी हैरानी खड़ी हुई है डंडा के कारण खींच के बाबूजी गुस्सा में एक डंडा हुए गोवर्धन के तमरबई के और जब गोवर्धन की एक डंडा लग गया तो जवन हाल सबके रही वो हाल गोवर्धन के लग गए डंडा मामिला गड़बड़ हो गया और जब मामिला गड़बड़ हो गया तो बाबू तो जमते यहाँ के एक डंडा मारे से ऐसे हो गया तो एक डंडा आपकी मार दे एक डंडा मारे तो मामिला गड़बड़ हो गया वही लागे दूसर को मार दे और जब दूसर का डंडा लग गया तो मुहे से डकार आए और तुरंत बच्चा गिरा फटाक से धरती पे। जब गोवर्धन के लड़का धरती पे गिर पड़ा तो जितना बराती रहे सब लाइन लगा ली है कहें काका काका कहाँ रहे बड़े बड़े ओझा वैद आए क्यों कुछ नहीं कह पाए हमार सब के समस्या के समाधान ना भा तुहार ही डंडा के हम मानते ही यही चमत्कार से सबके ग्रह कटे एक एक डंडा सब लाइन वाइज सब अपन अपन पीठ घुमाए दे और फटाफट फटाफट एक एक डंडा चले लगा जेकरे पर एक डंडा लग गई सबके मुहे से बच्चा धरती पे गिर पड़े। सुधू ओझा पता पाए कहे ना चौधरी के यहाँ ग्रह कटत बा जो इतना दिन की पोजीशन गड़बड़ान बा चली भगवान एक कई डंडा से जब उद्धार होत बा आए पहुंचे एक डंडा सुधुओ के लाग भैदव के लाग धरोगव के लाग नंबर वाइज जितना जने गड़बड़ान रहे सबके डंडा लगा और सबके मुहे के द्वारा बच्चा के जन्म भा बच्चे पैदा हो गए
लेकिन पालन पोषण करे बदे क्यों राजी नाई नाई जेकर जेकर लड़किया हो जाए गिरत देरी ना वे खड़ा हो एक लाठा दूरी कहने रे भगवान साला नौ लोग इतना इतना दिन से हम लेके इतना इतना समय से एक हम लेके खड़ा ही हिया फुर्सत मिल गए ग्रह कटे यहां से ननकर हम भोजन करब ननकर मिठाई खा बरात मालिक के बुलाए कहन चौधरी कहन कहा कहन गाड़ी छोड़ दो गाड़ी छोड़ दो कैसे मामला ठीक भवा हमके सबके भेद दे घरे निकल जा सबके लड़का पैदा हो गया लेकिन क्यों लड़का निकल लगे अपने न जान पालन पोषण करे बदे राजी ना है ना आखिरी लाइन में कहना बा जौने लड़कन के क्यों पालन पोषण करे बदे राजी ना हो तो बाजे के क्यों ना पाली वो सब हो गए नेपाली आखिरी लाइन में प्रमाण मिला कहना है हरे महिमा महान तोरे बाबा पशुपति काठमांडू नगरिया बसाए भूपति पशुपतनाथ के मंदिर में उस लकड़ी को लटकाए शिव के साधक जाकर के श्रद्धां से शीश झुकाए तगावे शिव के जय करिया बसाए भूपति महाराज आखिरकार वही लकड़ी के भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ डंडा जो वरदान में गोवर्धन पाया था वही डंडा के ले जाके पशुपत धाम मंदिर में महाराज रखवा दिए। भारी संख्या में भक्त लोग जाते हैं दर्शन दीदार करते हैं अपना जीवन धन्य बनाते हैं। तगावई शिव के जय करिया बसाए भूपति ये हमारे विरह के शीर्षक रहा बाबूजी शिव का वरदान चमत्कारी डंडा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल हितकारी स्वर्ग बसे गुरु रामदेव कवि भारत बने पुजारी प्रगट हो गई ले भोला लहरी प्रगट हो गई ले भोला लहरी यादो सीता राम के गीत फेल ना होला प्रगट हो गई ले भोला लहरी भैया धन धन देश के जवान अच्छा बाबूजी लहर म्यूजिक वर्ल्ड की तरफ से भाई अजय यादव जी के देखरेख में एक विरहा प्रस्तुत है जिस कहानी का शीर्षक होगा लक्ष्मी और सत्य का विवाद। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जैसा ही प्यार दुलार आप सबका सदैव इस भाई को मिलता है वैसा ही आशीर्वाद प्यार दुलार
अवश्य आप सबका मिलेगा और बिरहा में जरूर आनंद मिलेगा। चार लाइन भूमिका में कहना है। कभी सी बड़ी अनमोल लाइन संकेत की भूमिका में कहना है। सत में वजहते को जाने जमाना, तराना सदम सत्य का गूंजता है, डिगे ना कभी सत्य की राह से, पावन चरण सारा जग चूमता है, भूप उज्जैन के वीर विक्रम रहे, अति दयावान प्रजा भी खुशहाल थी, देवता भी चकित न्याय को देख कर हंसती, यवनी हंसती थी महिपाल की। तो मास्टर बड़ी सुंदर गजल के लाइन बा, उहे लाइन बा काबा। कि मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, अरे हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयां बजाना, जब मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, अरे सहनाइयां बजाना। लेकिन कबीर जी बिरहा में बड़ा सुंदर भाव दिए। लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, तुम्हें अपना फर्ज निभाना, तुम्हें अपना फर्ज निभाना, कर्मों से हो न विचलित, कर्मों से हो न विचलित, हंस के गले लगाना, कर्मों लाखों मुसीबत आए, हंसकर के गले लगाना। नजम के लाइन में मास्टर कहानी की शुरुआत भइल। हाँ।
कलम की स्याही कलम की स्याही सत के राही का गुणगान करे धरा धर्म की सदा सत्य का सम्मान करे अगर कांटे हैं अगर कांटे हैं तो गुलाब भी निश्चय होगा तुम्हारे कर्म का हिसाब भी निश्चय होगा लक्ष्मी और सत्य में हम की मार हुई पड़ा है कौन इसी बात पे तकरार हुई बने फरियाद दोनों विक्रम के डिगियाए हैं पड़ा है सत्य में पत्थर सलाम सुनाए हैं बाबूजी अपनी बात को समझला लक्ष्मी और सत्य में विवाद होता है लक्ष्मी कह रही है कि मैं बड़ी हूँ सत्य बोल पड़ा कि मैं बड़ा हूँ विवाद हो जाता है दोनों फैसला लेने के लिए विक्रमादित्य महाराज के दरबार में पेश हुए आवाज दिए कि राजन आपको फैसला सुनाना होगा निर्णय करना होगा लक्ष्मी कह रही है कि मैं बड़ी हूं और मैं बोल पड़ा कि सत्य बड़ा है और बड़ा रहेगा विक्रमादित्य महाराज बोल पड़े कि सत्य बड़ा है और बड़ा रहेगा इतनी बात को सुनकर लक्ष्मी एकदम कुपित हो गई गुस्सा में आग बबूला हो जाती है और जब लक्ष्मी नाराज हो गई विक्रमादित्य महाराज का सारा राजपाट सब छिन्न भिन्न हो गया सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीनों प्राणी बाबूजी राज दरबार से निकल पड़े जब निकल पड़े तो एक लाइन गीत लगल कहना बा बड़ी सुंदर लाइन बा अब बात न तो से होई अब बातन तो से होई सुन लाए मोर करे जा दिहले बाटा तू जवन मोबाइल के ले जा याद कर रहिया कुआर रहलू याद कर रहिया कुआर रहलू पियावा से पहले हमार रहलू विक्रमादित्य महाराज मुसीबत का सामना करते हुए बाबूजी अपनी धर्म पत्नी अपने बेटे के साथ राजपाट को सब छोड़ करके निकल पड़े बाबूजी किसी का सहारा नहीं मिल रहा है भूखे प्यासे तीनों प्राणी निकल पड़े दरबार से जाकर विचार किए मन में कि क्यों ना अगर दुनिया में जीना है तो भोजन की जरूरत है रानी कहे लगी कि महाराज भोजन कहाँ मिली साथ में छोट लड़का बा बेटवा कहा था कि बाबूजी जब तक भोजन न मिली प्राण ना बची महाराज कहे लगे कि बेटवा धीरज रखा आगे ब्राह्मण देवता के मकान बा हमरे पुरोहित महाराज के सामने मकान बा हमके विश्वास बा कि ब्राह्मण देवता के घर भोजन मिली तीनों प्राणी पहुंच गए पंडित जी बैठे हैं और आइए महाराज आइए महाराज विक्रमादित्य महाराज बोल पड़े कि ब्राह्मण देवता हम तीनों भूखे हैं भोजन चाहिए
कहन महाराज आसन ग्रहण कीजिए, भोजन आपको मिलेगा। बैठिए महाराज। पंडिताइन का इशारा किए, ए पंडिताइन जाके रसोइयां तैयार करा, भोजन बनावा, राजन भूखे हैं, साथ में रानी है और राजकुमार भी है, तीनों प्राणी भूखे हैं, भोजन करेंगे। पंडिताइन जाके भोजन बनावा थी। अब भोजन जब तैयार हुआ तो पंडित जी कहे महाराज चल के भोजन कैला। तीनों प्राणी आंगन में जाकर बैठ गए। बाबूजी भोजन की थाल परसी गई, सामने थाल आई और उस समय भी लक्ष्मी का कोप हुआ, लक्ष्मी की नाराजगी। वही अंगना में खूंटी में एक हार टांगा बा, विक्रमादित्य महाराज की निगाह पड़ी खूंटी में टंगा हुआ हार, देखते ही देखते गायब हो गया। ये सब लक्ष्मी की नाराजगी है। पंडिताइन की निगाह पड़ी खूंटी में, कहीं अर इतना हम परिश्रम से भोजन तैयार किए, बढ़िया हम यही बदन का भोजन बनाए हैं, ऐसन है इनके राजा। जाके पंडित के बुलाई, कहीं महाराज चल के देखा, कहन का कहन चला तो पहले। राजा समझ गए इनकी परेशानी बा, खूंटी में हार गायब बा, एकर मतलब इल्जाम लग जाई चोरी के। चल पड़े वहां से तीनों प्राणी, कहना है अरे अब रूठ विधाता गईले राजा के किस्मत फूटी, सुंदर हरवा टांगा बा, सुंदर हरवा निगलत बाजे का फूटी, परसल भोजनवा बेकार भैले, परसल भोजनवा बेकार भैले, किस्मत के आगे लाचार भैले, परसल भोजनवा बेकार, किस्मत के आगे लाचार भैले। पंडिताई निकल के बहरे आई, ए महाराज, ए महाराज, गुरु जी से जाके गुरु माइन करई सोर हो, गुरु जी से जाके गुरु माइन करई सोर हो, चेला तोहार यही बचपन के चोर हो, लेकर के हरवा फरार भैले, लेकर के हरवा फरार भैले, किस्मत के आगे लचार भैले, ले करके हरवा फरार भैले और किस्मत के आगे लचार भैले। भोजन नसीब नहीं हुआ बाबूजी, आखिरकार तीनों प्राणी उदास होकर के वहां से चल पड़े। ब्राह्मण देवता के घर इल्जाम लग गया। पंडिताइन कहे लगे हमार हार चोरी कई गे, तुहार राजा हमार हार चोरी कई के निकल गए यहाँ से। तीनों प्राणी आगे बढ़े, भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबूजी, परेशान है, व्याकुल है। छोटा बेटा राजकुमार कह रहा है कि बाबूजी मैं एकदम असमर्थ हूं, चल नहीं सकता, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। बेटा रो रो के कहता है, क्या कहता है वह गीत बा, अरे माँ, अरे माँ मुझे तू अपने सीने से लगा ले, अरे माँ मुझे तू अपने सीने से लगा ले, आंचल में छुपा ले कि और मेरा कोई नहीं, आंचल में छुपा ले कि और मेरा कोई नहीं,
बेटा आंख में आंसू लेके रो रो के कहता है अपने माँ के सामने, पिताजी के सामने रो करके कहता है, अरे माँ लगी है भूख मुझे भोजन खिलाओ, अरे माँ लगी है भूख मुझे भोजन खिला दो, गोदी में उठा लो कि और चला जाता नहीं। जोरों से लगी प्यास मैया पान पिलाओ, जोरों से लगी प्यास मैया पान पिला दो, लालन को जिला दो कि और चला जाता नहीं। बेटे की आंख में आंसू देख करके राजन बोल पड़े कि बेटा धीरज रखो, अगर मालिक को मंजूर होगा तभी भोजन मिलेगा। तीनों प्राणी दुख का सामना करते हुए आगे बढ़ चले। बाबूजी बिरहा के शैली में कहना है, समय के आगे हारी जिंदगी, अरे समय के आगे हारी, वो समय के आगे हारी जिंदगी, लक्ष्मी विमुख हुई विक्रम जी बने भिखारी। लक्ष्मी विमुख हुई विक्रम जी बने भिखारी, समय के आगे हारी जिंदगी, समय बेदर्दी मारे तीर, समय बेदर्दी मारे तीर, अरे सही ना जाय विपत कै पीर, बरसै अखिया से नीर, जे सवा नवाना बरसै अखिया से। चिंता उर में है समान, अरे छूटा राजपाट सम्मान, दई है बहिनी ठेकान, गाढ़े दिनवाना दई है बहिनी, विक्रमादित्य महाराज बोल पड़े कि अरे रानी सामने बहन का दरबार है, सामने बहन का दरवाजा है, जरूर भोजन मिली, हम तीरों को सम्मान मिलेगा बहन के दरवाजे पर, चलिए हमें विश्वास है हमारी बहन अपने भैया को जरूर पहचानेगी इस मुसीबत में। बहन के दरबार में पहुंच गए विक्रमादित्य महाराज और अंटा के ऊपर बहन बैठी है, रानी बैठी है अंटा पर, नीचे द्वारपाल दरबारी खड़ा है। पहुंचे विक्रमादित्य महाराज, कहे भैया हमके अपने रानी से मिलाए दा, जाके बोल दा कि तुहार भैया आई है। संतरी से बोले महिपाल, इतने में द्वारपाल वो नौकर बोल पड़ा, कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हैं, हमरे रानी के भाई बन की ठहरत है, हम तुहार तीनों जने के पोजीशन यही नौकर के देखा थे पहनावा, यहू से खराब पोजीशन में तो तुहार पहनावा बा, तू हमारे रानी के भाई है, हट जाई अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चले जाओ यहाँ से, अगर रानी को पता चल जाएगा तो तुहके बड़ी सजा मिली तीनों जने के।
विक्रमादित्य महाराज कहल गन भैया झूठ नहीं बोलत है, हम तोहरे रानी के भाई है। संतरीस बोले महिपाल, अरे जनहवा जाय बहिन से हाल, द्वारे खड़ा बा बेहाल, तोर बीरा नवा ना द्वारे खड़ा बा। अंटा चढ़ी के देख रानी, नौकर जाके कह रानी नीचवा तीन पर रानी आई है, कहा था इनके हम रानी के भाई है, हम उनके भजीहत की बड़ा फटकार लगाए लेकिन जाता ही नहीं है। कहा था जाके रानी से बोल दा, पहचान जाइए हम उनकर भाई है। रानी कहल की हमार भाई है, अंटा पर से निहारत हुई नीचे, जब निगाह दौड़ाई कहीं, अरे भगवान तो हमार भैया है विक्रमादित्य महाराज, आज कैसी मुसीबत में है, अगर हम उनको पहचान तो रहे हैं, अगर हम नौकर के सामने कही दे थे कि हमार भैया है तो पूरे नगर में इतनी बड़ी बदनामी हुई कि रानी के भाई इतने फटे वस्त्र में दर दर भटक रहे हैं भिखारी भेष में, अपनी सम्मान को बचाने के लिए, बदनामी को बचाने के लिए रानी नकार देती है कि हमार भैया न हो। अंटा चढ़ी के देख रानी, अरे कैसे पीरनियन का मानी, जबरी भाई बनई चाहत बे मनवाना, जबरी भाई बनई। रानी अपन हुकुम सुनावई, अरे अपने नौकर के समझावई, झूठा घर से भेजावती भोजनवाना, झूठा घर से बाबूजी कहावत है, जब समय की गड़बड़ी होती है, समय का परिवर्तन होता है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। आज समय बिगड़ गई, विक्रमादित्य महाराज को बहन नहीं पहचान रही है। बिगड़े के साथी ना कोई, बिगड़े के साथी ना कोई, अरे बने कहो इशार बहन होई, कैसे कही विपत्तिया रोई, जग बेगनवाना कैसे कही, झूठ थाली में भोजन लेके नौकर आए विक्रमादित्य महाराज के सामने कि बताए तो उसे ना कि तुम्हारे रानी के भाई न हो, इनकार कर दिए रानी के हमार भाई न हो, अगर तीनों जने भूखा है तो झूठ थाली में ये भोजन बचावा, इच्छा हो तो खाए ना तो पूरा नगर छोड़ के हट जाए यहाँ से, भाग जाओ इसी में भलाई है। विक्रमादित्य महाराज झूठ थाली में भोजन जो लेकर नौकर आया था बाबूजी हाथ में थाम लिए, और समय को देख कर याद करके आंख में आंसू लेकर बच्चे को निहार कर कह रहे हैं कि बेटा लो भोजन कर लो बेटा। बेटवा कहने लगा कि बाबू हम भोजन न करब, रानी के सामने वह थाली बढ़ावत है कि रानी थोड़ा सा भोजन कर लीजिए तो शरीर में शक्ति आ जाए। कह रहे हैं विक्रमादित्य महाराज कैसे, क्यों है विक्रम पकड़ लिए झूठा भोजनवा, भैया विक्रम पकड़ लिए झूठा भोजनवा, अरे रानी के वरिया बढ़ाए ना भैया, रानी के वरिया
विक्रमादित्य महाराज जोनी समय झूठ भोजन के थाली रानी के सामने किए कि रानी आप भोजन कैला। रानी आंख में आंसू लिख के रोए लगी कि महाराज हाथ जोड़ जोड़ी हमके क्षमा करे महाराज हम भोजन न करब कहन काहे बदे कहीं नाही ननद घर भोजन करब पिया नाही ननद घर भोजन करब पिया नाही हमारे उधर में डिग जाए ना पिया हमारे उधर उहई भोजन करावई तब रानी कुंवर के रानी कहल गे बेटवा तू तो भोजन कैले लाल उहई भोजन करावई तब रानी कुंवर के अरे लाल तब आंसू बहाए ना भैया लाल तब आंसू कहीं कुंवर जूठा भोजन नाई करबई कुंवर कहीं जूठा भोजन नाई करबई अरे भलही परान चला जाए ना बाबू भलही कुंवर कहे लगे बेटवा कहे लगे कि वारे बुआ वारे बुआ आज मुसीबत के समय में इतनी बड़ी परेशानी में आज तू अपन भाई के नहीं पहचानत हो यही दुलारे भतीजा के नहीं पहचानत हो जेका अपने गोद में लेके खिलावत रहो आज यह मुसीबत में यह परेशानी में इनकार कह दू कि हमार भैया न हो हमार भतीजा न हो हमार भौजाई न हो काहे बुआ आज रिश्ता भुलाई गई काहे बुआ आज रिश्ता भुलाई गई अरे तोहर उलाज ना आए ना बुआ तोहर अखिया में दौलत के पर्दा पड़ाबा अखिया में दौलत के पर्दा पड़ाबा तोहई भाई भतीज ना चिन्हाए ना बुआ भाई भतीजा विक्रमादित्य महाराज कहे लेकिन कि बहनी ठीक बा अगर हम तोहार भाई न हो तोहारी भतीजा न हो तोहार भौजाई न हो तो हम बहन तोहार नगर छोड़ के चला जाब तोहरे सम्मान पे कबो ठेस न पहुंची कहना है रहबै न बहिनी हम तोहरे नगरिया रहबै न बहिनी हम तोहरे नगरिया अरे लौटे हैं विपदा उठाए ना बाबू लौटे हैं विपदा लक्ष्मी हसई देख विक्रम के हलिया अरे लक्ष्मी हसई देख विक्रम के हलिया अरे आगे मजा अब आए ना बाबू आगे मजा बाप रे बाप तीनों प्राणी चल पड़े बाबूजी लक्ष्मी कह रही हैं करे राजन अभी क्या देख रहे हो मुसीबत की घड़ी आगे और खड़ी है अगर आप मान लिए होते कि लक्ष्मी बड़ी है तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता आपको विक्रमादित्य महाराज कह रहे हैं कि जब तक शरीर में सांस है तब तक हम सब की पूजा करेंगे सब विजयी हो विजय होगा कहना है बाबूजी तीनों प्राणी आगे बढ़े गीत है बाम हरे राम अरे बाप रे बाप ये भैया अरे बाप रे बाप माह के मिले ना भोजन अरे बाप रे बाप
शक्ति के कारण हरिश्चंद्र जी भी के हती नौ प्राणी चीरे राजा रानी सत के जाला बादिया नवा अरे बाप रे बाबू जी विक्रमादित्य महाराज अपनी रानी और बेटे के साथ में तीनों प्राणी आगे बढ़े चले जा रहे हैं और बेटवा आंख में आंसू लेकर कहे लगा कि बाबू जी महाराज अब हमसे चला नहीं जाता, थोड़ा पानी मिल जाए, कुछ मिल जाए खाए के, नहीं तो आगे चल न पाई महाराज। माता जी रोए लगी, रानी कह लगी बेटवा तुमने कि धीरज रखा, जब मालिक मंजूर हुई तब भोजन मिली। तीनों प्राणी आगे बढ़े बाबूजी, एक तालाब में मछली पकड़े वाले मछली पकड़त रहे। विक्रमादित्य महाराज मालिक को याद किए कि प्रभु हमें क्षमा करेंगे, आज इस मुसीबत की घड़ी में बाबूजी अपने बेटे की भूख, अपनी रानी का भूख देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ और महाराज जाकर उस तालाब में पहुंचे और मछली पकड़े वाले से बोल पड़े कि भैया दो चार दे दया, दो चाल मछली दे दा। कहन कहां के है, सवेरे से हम पानी इतना पानी निगारत निगारत वही के लहान पे ले आए, जब कुछ व्यवस्था बनी तू आई गया सरले ने चाठे मांगा था, इतना ही मानवता बा कि हम सब बहरे निकल के जाते हैं जो तुमके जरूरत हो पकड़ ले, और ये कहा कि पकड़ के दे दे हमसे सबसे ना होए। विक्रमादित्य महाराज अपने जरूरत अनुसार बाबूजी दो चार मछली पकड़ कर बाहर निकल आए और रानी से कहे लगे कि हम चलते ही नहाए तो कुछ लकड़ी इकट्ठा कर के मछली भूजा करे नहावन कह विक्रम जी मछली भूजई रानी पानी भूजी मछरी भाई सपनावा अरे बाप रे बाप धन है भगवान, धन है ऊपर वाले सत्य का पालनहार विक्रमादित्य महाराज। जिस समय रानी को मछली सौंपे के भूजा, हम जाके स्नान ध्यान करके आवत है। इंद्र महाराज को चिंता हो गई, घोर वर्षा किए, जितनी मछली रानी इकट्ठा करके भूजे की तैयारी करते हैं सब तालाब में बह गए। विक्रमादित्य महाराज आए निराश होकर बच्चे को उठाए कि बेटा उठिए, मछली भी अपने नसीब में नहीं है, मालिक को यह मंजूर नहीं है। तीनों प्राणी फिर बाबूजी दुख का सामना करते हुए, भूख प्यास को सहन करते हुए आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो लक्ष्मी जी के करामात उनकी माया नजर आई। एक बुढ़िया मातारी का भेष बना के लक्ष्मी माई बढ़िया एक बीघा कांकर बोई के बैठी है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कांकर ककड़ी फड़ी बा। लक्ष्मी माँ बैठी हैं पूर्णिया के रूप में बैठी हैं। विक्रमादित्य महाराज पहुंचे कहन माई आदेश कर तू माई दू एक ककड़ी तोड़ ले, कहीं बेटवा कहाँ के है। लगत बा बड़ा परेशान है, कहन महतारी बोला ना हम तीनों जने एकदम भूख प्यास से व्याकुल है, आदेश करा बस तू एक काकड़ ले रही तनिक शरीर में जान आ जाए।
लक्ष्मी बोल पड़ी कि सरलेन में इसे ले बा। अरे कुछ लागत लगेगा, पूंजी लगाए है, बिया विसार डाले है, सिंचाई के है। कहना है उपजी बाटे खेत में ककड़ी, लक्ष्मी रची है माया। बिना दाम के काकर खाए, बिना दाम के ककड़ी खाए, कोढ़ बदन पे छाया, व्याकुल मन में भैर जनवा। अरे बाप रे रानी को बेटवा कर तो कुछ नहीं भा, बाबू जी कांकरी खाए, जी भर के कंकरी खाए। अब विक्रमादित्य महाराज कांकर तो खा लिए, लेकिन बाबू जी आज पूरे बदन में कोढ़ बन गया। विक्रमादित्य महाराज कोढ़ ही हो गए। रानी आंख में आंसू लेकर रोए लगी कि महाराज क्या हो गया है आपको, आपके बदन में तो कोढ़ बन गया। विक्रमादित्य कहे लगे कि रानी, जो मालिक को मंजूर है उसे कोई रोक नहीं सकता, होली को कोई टाल नहीं सकता, जो होगा उस ठीक ही हो रहा है। विक्रमादित्य महाराज आंख में आंसू लेकर तीनों प्राणी आगे बढ़े, चल पड़े वहां से, और लक्ष्मी भी वहां से गायब हो गई, सब खेत खलिहान सब कुछ खाली हो गया। आगे जब तीनों प्राणी बढ़े, प्यास लग गई, भूख लग गई, विक्रमादित्य महाराज कहे लगे कि रानी कहूं से पानी की व्यवस्था करा, न तो प्राण संकट में बा राजन के, प्राण चला जाए रानी, एक घूंट पानी ढूंढ के कहूं से लावा, न तो प्राण एकदम संकट में लगा बा। कहे लगे का वह गीत बा, कहां पियावा हमके पनिया, ए रानी पियावा हमके पनिया, लागल बा पियास हो पियावा हमके पनिया, लागल बा पियास हो पियावा हमके पनिया। देख दीन दशा, देख दीन दशा, रानी हो गई हताश हो पियावा हमके पनिया, कहे रानी पानी की व्यवस्था बनावा। रानी कह लगी महाराज यहीं बैठा, यहीं आप बैठा, हम जाते अपने बेटवा के लिवा के कहूं ना कहूं नगर से पानी ढूंढ के लाऊ। अरे कुंवर जी के साथ रानी आने गई पनिया, भूल गई राह रहल विधि के लिखनिया, हो पियावा हमके पनिया, विक्रमादित्य महाराज वही जंगल में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि रानी पानी लेके आओ, जल्दी से पानी दें, प्यास लगी बा, कोढ़ बदन में हुआ है बाबूजी। और वही राह से
जो ने राही में विक्रमादित्य महाराज बैठा है रानी को बिटवा के इंतजार करत है, वही रहिया से वही नगर का तेलिन कहूं से तेल बेच के लौटी बा। निगाह पढ़ी जब कोढ़ी के ऊपर कहे सरे बाप रे बाप, जात कितिया क्यों नहीं रहा। वापसी में ही कोढ़ी कहां से सामने पड़ेगा, आके सामने सिठाइन खड़ी हो गए लगी, तू कहां के रहा वाला है, ई कोढ़ी मने रास्ता में कहां बैठा है। विक्रमादित्य महाराज कहे लगे कि देखा सिठाइन, हमारे बदन में कोढ़ होई गया, हम कोढ़ी न रहे लेकिन कोढ़ी होई गए, और बड़ी भूख लगी बा, प्यास लगी बा, एकदम जान लग भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होत बा, और रानी हमार पानी आने बदे अपने बेटवा के लेके साथ में गई है, अब अभी तक वापिस नहीं भई, एक काम करा हमके अपने साथ में लेके चला, तोहरे घर पे हम जोन काम कहूं वो काम करब, हमके नौकरी पे रख ला, लेकिन हमके भाई कुछ भोजन जरूर खिया दिया, पानी पिया दा। तेलाइन कहे लगी चला चला ठीक बा, बिना अपने पद के इजाजत के तोके हम लेके चलत है, तेली हमार गुस्से आ जाई एक बार लेकिन हम मना ले, लेकिन समझ ला कोढ़ी महाराज हमरे घरे तोके ड्यूटी देख पड़ी, कहन का करे पड़ी, कहन हमार मन से धू कोल्हू खींचत 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 दुबला पतला हो गई, अब कोल्हू वाला देखभाल कारभार तो के संभारे के पड़ी, तेल के पेराई करे के पड़ी। विक्रमादित्य महाराज कहें ले चला भाई, जब तक जानवा हम हाजिर है सेवा में, हम काम करब तोरे घर के, लिवा चला हमके। विक्रमादित्य महाराज पहुंच गए, जब तेलिन के घर में वही नगर के राजा के घर में स्वयंवर रचा गया, उस नगर के राजा के घर में स्वयंवर रचा गया, आदेश हुआ राजन का पूरे नगर में जितने तेली हैं सबकी सूचना भिजवाई गई, सवेर होत होत दरबार में एक कुंड रखवा दिए महाराज, जितना तेली हैं जब तक भोर होत होत कुंड ना भर जाए तेल से तो ठीक नहीं होगा, सबको पूरा नगर छोड़ करके यहां से निकल जाना होगा। वही महाराज के आदेश बा, जब वही तेलिन के पता लाग कि कल भोरहिया में हमारे महाराज खिया दरबार में कुंड रखा बा, अगर तेल से ना भरा जाए तो हमार सब तो गुजारा यही गांव में ही नगर में ना लगी, कहना है वह तेलवा से कुंड भरा राजा कई आदेश बा। तेली कहा तेली कहा यही देश बहुत कलेश बा, रहबै ना यहाँ सब भइले उदास पियावा हमके पनिया, तेलिन कहे लगी एक कोढ़ी महाराज सुना था, कहन बोला कहन हमरे नगर में महाराज किया कल स्वयंवर बार, अब होर होर होत अगर उनके दरबार में एक कुंड रखा बा, वह भारी कुंड में तेल के जरूरत बा, अगर सवेर होत कुंड ना भर जाई तो हमार सब गुजर बसर यही नगर में ना होई, घर द्वार छोड़ के जय घर तेली यही सबके यहाँ से भाग जाए के बा। विक्रमादित्य महाराज कहे लगे कि देखा सिठाइन, मुसीबत में तू हमके सहारा बनी हो, तोरे यहाँ इतना दिन से हम भोजन पानी कर थे नौकरी कर थे तो विश्वास रखा हम तुमके सबके गांव और नगर न छोड़े दे। तेली वहीं बगल में खड़ा बा, कहे समय जिन बर्बाद करा, तेली बगल में खड़ा है बोल पड़ा कि कोढ़ी महाराज निकल जा, यही में भलाई बाब हमके सबके जब खुदे नहीं रहा के बाद तो तुमके कहां स्थान मिली,
विक्रमादित्य महाराज कहन भैया सेठ गुस्सिया मत, जब तक हमारे प्राण बास शरीर में विश्वास कायम रखा तोहरे राजा के दरबार में हम तेल पूर्ण कर। विक्रमादित्य महाराज आज अपने सत्य की बल से बाबूजी भक्ति की ताकत से धर्म की ताकत से आखिरकार कोल्हू की खिंचाई चालू किए और मालिक को मंजूर हुआ, भगवान को मंजूर हो गया और दरबार में रखा हुआ कुंड तेल से भरने लगा। बाबूजी कहना है वह गीत के लाइन बाबू विक्रमादित्य महाराज बाबूजी गुलाई में कोल्हू घुमावे लगे, आंख में आंसू लिए हैं मालिक को याद करते हुए कि मालिक कैसी परीक्षा की घड़ी है, कैसा मुसीबत आज झेलने को हो रहा है। कहना है कोई अपना कहने वाला नहीं, देख दुर्दशा लोग हंसे, देख दुर्दशा लोग हंसे पर कोई उठाने वाला नहीं है, कोई अपना कहने वाला नहीं, कोई अपना कहने वाला, वारे समय महलों के सुख को छोड़ दिया सत्कारण मुख को मोड़ लिया, हुए अधीर नीर धीर धीर कारण कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई अपना कहने वाला, कोई अपना कहने, हुए अधीर नीर कारण कोई पानी पिलाने वाला नहीं और कोई अपना कहने वाला नहीं वाला नहीं। आखिरकार बाबूजी विक्रमादित्य महाराज अपने सत्य के बल से धर्म की ताकत से दरबार में रखा हुआ कुंड तेल से भरपाई कर दिए, भर दिए और जब तेल भर गया तब जितने भी नगर के तेली हैं सब आके कोढ़ी महाराज की जय जयकार करने लगे, कहन धन्य है कोढ़ी देवता आपके बदौलत, आपके बदौलत हम सब जितना तेली है कम से कम नगर में रह गए, यह गांव में रह गए, अनाथ तो इतना तेल कहां से पूर कर पाई, अब कुंड भर गया महाराज की यहां कम से कम हम गांव से निकले से बच गए, नगर से निकले से बच गए। विक्रमादित्य महाराज के यहां दरबार सजा हुआ है, स्वयंवर रचा गया, अब कोढ़ी विक्रमादित्य कहे लगन तेली से कहा हो आज तुम्हारे महाराज की यहां स्वयंवर बार, तो भैया एक काम किया हमके लिया है चला के तू दूरी बैठाए दे कम से कम दरबार में, बड़ा दूर दूर के राजा महाराजा आई हैं, कम से कम दीदार तो करी दर्शन तो कर ले, तेली बोल पड़ा सब कुछ बढ़िया की है सम्मान बा, लेकिन तोरे बदन में इतना कोढ़ बा, हाँ कोढ़ी मनई है वह दरबार में बढ़िया पहनावा पहनावा पहन के सुंदर सुंदर राजकुमार सब आई हुई है, अब तोहके कोढ़ी मनई के घर ले चल तो राजा बिगड़ जाए हैं। राजा देखते मान चार बात बोली हैं हमके, ते ही बदे तू यही घर हीन पे रहा हम सब जात है देख के आके समाचार बताई, लेकिन विक्रमादित्य महाराज बोले कि भैया ले चला कहूं
घोरा वगैरह पे बैठ, यहाँ गोबर पाती इकट्ठा हो वहीं हमके बैठा दिया, तो घोरन पे बैठा दिया, हम बैठा रहा कम से कम देख तो ले दोरिन से। विक्रमादित्य महाराज को साथ में ले गया सेठ उतेली और ले जाके एक घोर पे बैठा दे, कहीं यहीं बैठा रहा, आया ना सामने जवन कुछ आइटम चली कम मिली अंदर से जवन आइटम मिली हम तोहके लाई कि यहाँ थमाई दे यहीं खाई के बैठा रहा, यहीं पानी दे दे पानी पी लिया, लेकिन अंदर आवे के विचार मत किया। स्वयंवर चल रहा है बाबू, दरबार लगा है और राजा का आदेश हुआ, बिटिया को इशारा किए कि बेटी अपनी इच्छा अनुसार भर चुन लो, गले में जाकर जयमाल डाल दो, पापट के लाइन में कहना बा। अरे पड़ा है विक्रम के गर्दन पर माला पाला बिहा सतबा, पड़ा है विक्रम के गर्दन पर माला पाला बिहा सतबा, कैसे सुधा के संग में रही है हाला पाला बिहा सतबा। सब यवाक भैले चकित हुए नर नारी हो, बारी है उमरिया यही नादा राज कुमारी हो, वही कर में तू पंद्रह फिर कर डाला पाला बिहा सतबा, और टूटा पिता के अरमानों का प्याला पाला बिहा सतबा। बाबूजी महाराज की बेटी जब हाथ में जयमाल लेकर चली, जितने भी राजकुमार बैठे हैं दरबार में सबके बगलियावत बगलियावत सबके किनारा कर जयमाल को ले जाकर वही कोढ़ी के गटई में पहना दी। राजा बोल पड़े कि बेटी ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं इतने सुंदर सुंदर राजकुमार दरबार में बैठे हैं, वो पता नहीं कहाँ का कोढ़ी कलंदर ले जाके गले में जयमाल पहना दियो। बिटिया बोल पड़ी कि नाना बाबूजी ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जीवन साथी हैं, हमारे भगवान हैं, जो हमें पसंद आया जिसको मैंने चुना उसी के गले में जयमाल पहनाया। विक्रमादित्य महाराज कोढ़ी में नहीं बैठा रहे, हाथ जोड़ लिए, कहे रानी इतनी बड़ी गलती मत करा, बढ़िया बढ़िया राजकुमार सुंदर सुंदर बैठा है, तू ये कोढ़ी मनई की गटई में जयमाल डाल दू न हमार घर बा न दुआर बार, हम तोके कहां लेके चल चल। लेकिन बिटिया कहे लगी, महाराज की बिटिया वो रानी कहे लगी कि स्वामी आप ऐसा न कहें, आप अगर खुले आसमान के नीचे रहेंगे तो हम आपके साथ अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आल्हा में कहना है हाय राम, जीवन में सुख दुख, अरे जीवन में सुख दुख आया वैसा बही के भैया, चौदह बरस राम भटके भी पीना मझारा, कोढ़ी के साथ जबकि भयल बाप दैया बाबू, बाबू
भेलन पुतरी आई के कार माई बाबू रो आगे आगे विक्रम पीछे चली भाई गुजरिया बाबू आई के पहुंच गई ले सोपड़ी मझार भैया भैया धीरे धीरे आई गति पवली त्योहार धीरे धीरे रानी के भूखिया सतावे जोर अरे बोले है विक्रम सर तुम माना हमारी रनिया तब हम तोहके कराऊ जवनार बाबू विक्रमादित्य महाराज की दूसरी रानी जब जंगल में लेकर गए विक्रमादित्य महाराज एक मड़ई डाल के अपना जीवन बितावे लगे धीरे धीरे समय बीतत बा आखिरकार दीपावली का पर्व आया पूरे नगर में खुशियां छाई है लोग सोच रहे हैं शाम का वक्त होगा धूप जलाया जाएगा दीप जलाया जाएगा लक्ष्मी का पूजन होगा उसी समय विक्रमादित्य महाराज अपनी रानी के सामने बोल पड़े कि रानी आज तो दीपावली का दिन है आज तो पूजन होना चाहिए रानी कह लगी कि महाराज दीपावली के दिन है त्योहार का दिन है और मड़ई में कुछ शाम के भोजन बनावे के सामग्री नहीं नहीं विक्रमादित्य महाराज के हम उपास ना हो त्योहार का दिन है बढ़िया भोजन बनी लेकिन एक शर्त है कैसी शर्त है रानी बोल पड़ी कि महाराज कैसी शर्त है कहें भोजन तो होगा भोजन का प्रबंध होगा लेकिन एक शर्त है अपने पिताजी से जाके महाराज से नगर के राजा से जाके बोल दा अपने बाप से रानी कह लगी कहा बोले पड़ी बाबूजी से तब विक्रमादित्य महाराज बतावे लगे कहा बताए आखिरी लाइन कि अरे पतिया माना अरे पतिया माना हमारी बोले भूपत गनिया जले पावई ना दिया नवा नगर में रनिया कि आज पूरे नगर में कहीं भी धूप नहीं दीप नहीं दीपक नहीं जलना चाहिए लक्ष्मी की पूजा नहीं होनी चाहिए चारों तरफ पूरे नगर में अंधेरा ही अंधेरा कायम हो यही आदेश है मेरा रानी कह लगी कि महाराज जैसी आपकी इच्छा जाकर अपने बाबूजी से कह लगी कि बाबूजी यह बिटिया के एक मागन बागन बोला बेटी बोलिए बेटी कह लगे बाबू आज अपने नगर में आदेश करवाया था कि कहूं भी उजाला न हो कि चाहिए लक्ष्मी की पूजा न हो कि चाहिए चारों तरफ अंधेरा हो अपनी बेटी का सम्मान किए और पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिए सबको सूचना मिल गई पूरे नगर वासियों को किसी के घर में दीपक नहीं जलना चाहिए
चारों तरफ अंधेरा कायम हो गया बाबूजी। आखिरकार हुआ क्या? उदास लक्ष्मी खोज रही ना नगर में मिले उजाला, अरे विक्रम द्वारे आई सत्यकांति पक जले निराला, टूटा लक्ष्मी के गुमनवा नगर में रनी। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी चारों तरफ पूरे नगर में दरबदर भटक रही हैं। जिसकी भी दरवाजे पर जाएं बाबूजी अंधेरा है, कहीं भी न पूजन हो रहा है न कहीं जय जयकार हो रही है। लक्ष्मी सोच रही हैं, आज तो हमारा ही दिन है, पूजन होना चाहिए, आज हमारे नाम से दीपक जलना चाहिए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, किस दरवाजे पर हम जाएं, किस आंगन में जाएं, कहां मुझे स्थान मिलेगा। परेशान है, दर बदर भटक रही है, निगाह पड़ती है उसी जंगल में जिस कुटिया में बाबूजी विक्रमादित्य महाराज अपनी रानी के साथ में रह रहे हैं, और उनके झोपड़ी के सामने एक सत्य का दीपक जल रहा है। एक सत्य का दीप जला कर रखे हैं। जब लक्ष्मी के निगाह पड़ी कि अरे पूरे नगर में कहूं उजाला नहीं दिखात बा, केवल वही जंगल में एक मड़ई बा, मड़ई के सामने एक दीपक जलत बा, तो हमें लग रहा है आज मुझे वहीं रहने का स्थान मिलेगा। विक्रमादित्य महाराज के मड़ई के सामने लक्ष्मी जाकर पहुंच गई। आवाज देती हैं, कौन है मड़ई में? विक्रमादित्य महाराज पहचान गए कि कौन हो, कहीं हम लक्ष्मी हैं। अरे लक्ष्मी, आप लक्ष्मी हैं? आपका यहाँ ठिकाना कैसे लग सकता है? अरे यहाँ तो सत्य की पूजा होती है, ये तो सत्य का दीप जल रहा है, आपको कहाँ यहाँ, कैसे आप यहाँ पहुंच गई? लक्ष्मी कहे लगी कि महाराज आज पूरे नगर में कहीं भी मुझे ठिकाना नहीं लगा, दर बदर हम भटक के फिर आपके शरण में आपके स्थान पर आपके कुटिया के सामने आए हैं, आज मुझे स्थान दीजिए महाराज, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हाथ जोड़कर लक्ष्मी अपने गलती को स्वीकार करती हैं। आखिरकार सत्य की जीत हुई, सत्य की विजय हुई बाबूजी। हारी सत्य के आगे लक्ष्मी निर्मल हुई शरीर, अरे रानी कुमार विपिन में मिल गए, जागी तब तक धीर, पीर के हो गए हननवा नगर में रनिया। लक्ष्मी जी जब खुश हो गई तो सारा बिगड़ा हुआ काम सब संवरने लगा बाबूजी। सारा कुछ जो कुछ भी राजपाट छिन्न भिन्न हो गया था विक्रमादित्य महाराज का, सब कुछ सही सलामत हो गया। राजा का कोढ़ कट गया, उनके पहली रानी जीवन साथी जो भटक गई थी बाबूजी वो भी मिल गई, अपना बच्चा भी मिल गया, सब कुछ बिगड़ा हुआ काम संवर गया। मिला हार खूंटी पर लटका गुरु के घर जब आए, अरे करही आरती बहन भूख जूठा भोजन लौटाए, पाए राजपाट ससनवा नगर में रनिया। मिला हार खूंटी पर लटका गुरु के घर जब आए, वापसी में जब विक्रमादित्य महाराज अपने पुरोहित के दरवाजे पर आए तो देख रहे हैं कि विक्रमादित्य महाराज की जय जयकार हो रही है। पंडिताइन भी खुश हैं कि महाराज आइए, हम आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिए, हमार हार वही खूंटी में मिला, जहां से गायब भरा वही खूंटी में महाराज मिला, और बहुत 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 कृपा आपका कि हमारा हार हमके मिल गया। विक्रमादित्य महाराज कहें इस सब लक्ष्मी की नाराजगी से हुआ था। आखिरकार जब लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, मान गई कि सत्य बड़ा है, सत्य की विजय हुई, तो सारा भी जितना बिगड़ा हुआ काम था वो सब बन बैठा बाबूजी। सारा कुछ सब बिगड़ा हुआ काम संवर गया। मिला हार खूंटी पर लटका गुरु के घर जब आए, करई आरती बहन भूख जूठा भोजन लौटाए,
पाए राज पाट ससनवा नगर में रनिया। हमारे विरह का शीर्षक था लक्ष्मी और सत्य का विवाद। आखिरकार बाबूजी सत्य की जीत हुई, लक्ष्मी को मानना पड़ गया कि सत्य बड़ा है और बड़ा रहेगा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल हितकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी कभी भारत बने पुजारी। समय के आगे हारी जिंदगी, अरे समय के आगे हारी जिंदगी। गावे सीताराम मंग शारद के बलिहारी, समय के आगे हारी जिंदगी। तो बाबू धन धन देशवा महा,